शब बरत वाली राग, कब्रिस्तान जाना, ये भी हमारे प्यारे आकारी सलात वसलाम की सुन्नतों में से साबित है। हदीस पाक में आता है हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप बयान फरमाती हैं कि एक रात जब आका अली सलातो वसलाम को मैंने बिस्तर पर न पाया तो मैं आका अली सलातो वसलाम की तलाश में निकली और चलते चलते फरमाती हैं कि मैं जन्नतुल बकी में जा पहुंची और आका अली सलातो वसलाम को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पाया और आका अली सलातो वसलाम ने मुझे देख कर फरमाया, आयशा क्या तुमने ये ख्याल किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे हक में नाइंसाफी करेंगे? अर्ज करते हैं या रसूल वसल्लम, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने ये सोचा कि शायद आप किसी और जो है वो अज़वजा के पास तशरीफ ले गए हैं। तो आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया, ऐ आयशा तुम्हें नहीं मालूम कि आज की रात कौन सी रात है? ये शाबान अल मुअज़्ज़म की निस्फ है, 15वीं शब है, शब बरत वाली रात है। आज की रात रब तआला अपने बंदों की बख्शिश इस अंदाज में फरमाता है। आका अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि आयशा बरी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी बढ़कर रब तआला इस रात अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमा देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी बख्शिश वाली, अजमतों वाली, रहमतों वाली रात जो है वो हमें नसीब होने वाली है। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को नसीब फरमाए और तमाम को ये तौफीक अता फरमाए कि इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकें। रब ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह।